हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और हम ये फिजिक्स का यूपीएचएससी का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने क्विज सीरीज सी बोल दिया था, ये क्विज सीरीज सीरीज नहीं है, डी सीरीज का सॉल्यूशन है और यूपीएचएससी की कीज आ चुकी हैं, तो आप वहाँ से भी आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ से जो वहाँ पे कीज में है वो भी बताऊंगी और जो क्वेश्चंस पे आप चैलेंज कर सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट सीरीज था इसका पार्ट वन था क्वेश्चंस का फिजिक्स में, उसमें दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पाउली स्पिन मैट्रिक्स का, हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है, तो डी ब्रॉगली पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पार्टिकल का नाम नहीं दिया है और वहाँ रैंडम ऐसे ही आंसर बता दिया है, तो इन दो क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। और आज भी जहाँ तक है एक क्वेश्चन ऐसा है जिस बल्कि एक नहीं दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इन दो आज भी दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप चैलेंज कर सकते हैं यूपीएचएससी में। तो टोटल आज तक के मिला के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर पूरे हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे चैलेंज किया जा सकता है। तो चैलेंज जरूर करें क्वेश्चंस को यूपीएचएससी में। और चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट यानी 41 क्वेश्चन है, कंटूर का क्वेश्चन है, और सीधा सीधा इसके आंसर पे आ जाती हूँ कि कंटूर का इंटीग्रेशन है dz अपॉन z+2 का कंटूर इंटीग्रेशन सॉल्व करने है, और ये जीरो उसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 42 क्वेश्चन है हमारा। पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 1 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.8c इज रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, तो रिलेटिविटी में काइनेटिक एनर्जी mc² माइनस m0c² होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मास दिया है, केजी में चेंज कर लीजिएगा, वेलोसिटी दिया है, वैल्यूज पुट करिएगा, आपका जो ऑप्शन जूल में करेक्ट आएगा वो 6 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं डिस्कस कर रही हूँ, वीडियो ऑलरेडी लेंथी होती चली जाती है, यही 7 to 8 मिनट्स की वीडियो बन जाएगी। अगर मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी तो फिर 20 मिनट्स का हो जाएगा। तो जिन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो डेरिवेशंस मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। इफ लैग्रांजी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन बॉक्स इज रिटन एल इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वेयर अपॉन 2x - v x, द हैमिल्टोनियन विल गिवन बाय, तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, p² x / 2 + v x। 44 क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड हैज अ काइनेटिक एनर्जी के, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, ये भी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का फॉर्मूला है। देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो ए ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 2 मिसिंग है। तो लैम्डा इक्वल टू hc/√k k + 2m0c² होता है ना, तो यहाँ 2 मिसिंग है, बट इन सब ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कीज में भी ए ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, बट इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये लगाया नहीं है और दूसरे कोई ऑप्शन है तो भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ फ्री पार्टिकल इज एक्सप्रेस बाय वेव फंक्शन शाई इक्वल टू ne^-x² / 2a² e^iKx, देन द वैल्यू ऑफ एन, नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है वेव फंक्शन के, नॉर्मलाइज करेंगे वेव फंक्शन को, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, n = 1/(a^2)½ π/1/4। 46 क्वेश्चन, एट लो टेम्परेचर द एटॉमिक हीट कैपेसिटी cv ऑफ सॉलिड इज गिवन बाय, तो जो एटॉमिक हीट कैपेसिटी होती है cv वो T^3 प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे हीट कैपेसिटी के, एक में प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, एक में पूरा एक्सप्रेशन पूछा है, तो यहाँ पे T^3 का एक ही ऑप्शन था बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 47 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रोनी पेनी मॉडल विद इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द विड्थ अलाउड एनर्जी बैंड्स, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अलाउड एनर्जी बैंड्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन है,
A radioactive isotope has a lifetime of 13 years. The fraction of atom of this material remain after decay 52 years would be. तो आंसर यहाँ शो हो रहा है बट ये आंसर नहीं है. तो पहले हम n कैलकुलेट करेंगे. t हाफ दिया है और t दिया है तो यहाँ से n कैलकुलेट कर लेंगे. t अपॉन t हाफ इक्वल टू 52 अपॉन 13, n आ जाएगा आपका 4. फिर n अपॉन n नॉट इक्वल टू 1/2 टू पावर n, n यहाँ पे 4 है तो ये 1/16 आएगा. तो रिमेन तो जो है 1/16 रह जाता है. तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है बट कीज में जो आपका है 15/16 दिया है मतलब कितना डिके हो जाता है वो दिया है, कितना फ्रैक्शन डिके हो जाता है. तो 1 - 1/16 दैट इज 15/16. तो ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिमेन पूछा है, फ्रिक्शन डिके नहीं पूछा है. ठीक है, 49 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मियोन. यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देखिए, बी 7 न्यूक्लियस है, डिट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, अल्फा पार्टिकल्स है. तो फर्मियोन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में एक मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ मिल जाए प्लस माइनस में. तो वो हम अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ए ऑप्शन है जिसके लिए हम निकाल सकते हैं आप. 50 क्वेश्चन है. द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू. द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो ये स्टीफन्स लॉ का क्वेश्चन है. स्टीफन्स लॉ में ई जो है टी टू पावर 4 होता है. तो ये पूछ रहा है कि कितना इनिशियल वैल्यू से टेम्परेचर अगर हम ट्वाइस कर दें तो क्या होगा. तो हम टी को ट्वाइस कर रहे हैं तो 2 to power 4 हो रहा है. 2 to power 4 यानी कि हाँ ऑप्शन डी करेक्ट है 16. ठीक है, तो सॉल्यूशन ना बताते बताते भी हमारे जो वीडियो है 7 मिनट्स का 8 मिनट्स का हो गया है. तो मैं चाहती हूँ शॉर्ट वीडियोज रहे. तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व कराना है या नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा. Thank you.